मिमीसिस, प्लेटो एंड एरिस्टॉटल, द ओपिनियन ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टॉटल, मिमीसिस। क्वेश्चन नंबर शुड बी गिवन। मिमीसिस मीन्स इमिटेशन, नकल। प्लेटो सेज पोइट्री इज इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। अब देखिए प्लेटो क्या कहता है, पोइट्री क्या, नकल का नकल है पोइट्री। फर्स्ट गॉड मेड द यूनिवर्स एंड मैन, पहले भगवान बनाए आदमी को, विश्व को। सेकेंड मैन मेड गार्डन एंड फ्लावर्स, मनुष्य बनाया बगान को, फूल को। थर्ड अ पोएट कंपोजेज अ पोएम ऑन फ्लावर, तब थर्ड में कवि जो है फूल पर कविता लिखता है। सो अकॉर्डिंग टू प्लेटो पोइट्री इज थर्ड रिमूव फ्रॉम रियलिटी। थर्ड है, पहला तो गॉड है, सेकेंड मैन है, थर्ड पोइट। इन हिज बुक द रिपब्लिक प्लेटो शोज हिज डिसलाइक फॉर पोइट्री एंड पोइट्स। प्लेटो जो है अपना नफरत दिखाता है किससे, कवियों से, कविता से। देखिए ही, अब पेज टू में हमारे हैं, ही सेड, देखिए क्या कहता है प्लेटो। इन एन आइडियल नेशन देर शुड बी नो पोइट्स, कवि रहना ही नहीं है, कवि गेट आउट। पोइट्स शुड बी बैनिश्ड फ्रॉम हिज आइडियल नेशन। इफ देर इज एनी म्यूजिक और सॉन्ग इट शुड बी पेट्रियाटिक सॉन्ग और वॉर म्यूजिक। यदि कविता गलती से लिखा भी जाए तो देशभक्ति की कविता होनी चाहिए, और संगीत भी हो तो एकदम लड़ाई का संगीत, एकदम जोश देने वाला। अब कहें वाई इज प्लेटो अगेंस्ट पोएट्स एंड पोइट्री। अब ये अजीब बात है, इतने महान मनुष्य थे, ये कवियों के खिलाफ और कविता के खिलाफ क्यों थे? दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेट अस ट्राई टू फाइंड एन आंसर, उसका जवाब दिया जाए, खोजा जाए। प्लेटो द ग्रीक फिलोसोफर वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो, तो इनका जन्म हुआ था करीब 2500 साल पहले। ही विटनेस, क्या क्या देखा देखिए बता रहे हैं, द वॉर्स बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा, लड़ाई देखा, एंड द पर्शियन इन्वेडर्स क्रशिंग द वीक नेशंस, और पर्शियन के जो सैनिक थे वो कुचल देते थे कमजोर सब देशों को। आजकल भी कुछ कुछ हो रहा है ऐसा ऐसा। एज अ वेल विशर ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट, और शुभ चिंतक होने के नाते वो क्या चाहता था, अब हम पेज से आएंगे, क्या चाहता था, ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट, या प्रोटेक्ट छूट गया, देखिए ठीक हुआ नहीं, हाँ ही प्रोटेक्ट ही अपने देश को, ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट हिज नेशन, या प्रोटेक्ट, ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट हिज नेशन, अपने देश को बचाना चाहता था, ग्रीस, अपने देश ग्रीस को बचाना, अगेंस्ट एनिमीज, तो अपने देश को दुश्मनों से बचाना चाहता था। प्लेटो थॉट दैट स्ट्रांग सोल्जर्स कुड प्रोटेक्ट द नेशन, सोचा था मजबूत सैनिक ना देश को बचा सकेगा। द फिजिकली वीक पोएट्स कुड डू लिटिल और नथिंग, और कमज़ोर शारीरिक रूप से जो कमज़ोर कवि हैं वो थोड़ा बहुत करेगा क्या, कुछ नहीं के बराबर करेगा कवि, सब क्या करेगा। अब देखिए इसीलिए ये है ना, प्लेटो जो है कवियों को नहीं चाहता था, चाहता था सैनिक को चाहता था। अब देखिए एरिस्टॉटल वॉज बॉर्न इन हैप्पी डेज, अब इसका जन्म हुआ था खुशहाल शांति के समय में, हैप्पी डेज, देयर वॉज पीस, शांति थी। ड्यूरिंग पीस व्हाट डू पीपल वांट, अब शांति के वक्त में लोग क्या चाहते हैं, दे वांट पोइट्री, ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट, कविता चाहते हैं, ड्रामा मनोरंजन चाहते हैं। एरिस्टॉटल वॉज अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, बट एरिस्टॉटल डज नॉट एग्री विद प्लेटो ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मिमीसिस, चेला है एरिस्टॉटल लेकिन इस विषय पर उसका मतभेद है मिमीसिस पर। अकॉर्डिंग टू एरिस्टॉटल, देखिए क्या है, अ पोएट डज नॉट ओनली कॉपी और इमिटेट, कवि जो है सिर्फ कॉपी या इमिटेट नहीं करता, किसके अनुसार, एरिस्टॉटल के अनुसार। अ पोएट ट्राइज टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड, अ परफेक्ट वर्ल्ड, कवि चाहता है एकदम और अच्छी दुनिया बनाना चाहता है, एकदम परफेक्ट दुनिया बनाना चाहता है, जहाँ मार पीट, लड़ाई झगड़ा, भूकंप, तो बाढ़, अकाल, ये सब नहीं हो, कभी का ये सपना है। अब हम आएंगे पेज फोर पर, इसको हटाते हैं, पेज फोर क्या है, हाँ द परफेक्ट और द आइडियल वर्ल्ड ऑफ द पोइट इज बेटर देन द रियल वर्ल्ड, और जो कवि जो आदर्श दुनिया बनाता है वो वास्तविक दुनिया से और अच्छा है, और ठीक है। इन नेचर देर आर वर्म इट एंड फ्लावर्स, प्रकृति में देखिएगा कोई कोई फूल में कीड़ा लगा रहता है। द फ्लावर्स क्रिएटेड बाय द पोएट्स आर
परफेक्ट फ्लावर्स, लेकिन कवि जो कविता बनाता है, जिस कविता पर कविता रखता है जिस फूल पर, वो फूल बहुत सुंदर, अति सुंदर होता है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टॉटल, अ पोएट डज नॉट क्रिएट फैक्ट्स लाइक अ हिस्टोरियन। देखिए, कवि जो है इतिहासकार की तरह कोई खाली फैक्ट नहीं देगा, जो जन्म में राजा का जन्म हुआ फिर मरण, खाली फैक्ट नहीं देखता है। पोइट्री इज नॉट हिस्ट्री, कविता जो है वो हिस्ट्री नहीं है। पोइट्री टीचेज यूनिवर्सल ट्रूथ, और पोइट्री क्या सिखाता है, विश्वव्यापी सत्य सिखाता है। पोइट्री टीचेज लव एंड ब्रदरहुड, कविता सिखाता है प्यार भाईचारा। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू एरिस्टॉटल, अ ड्रामा इज नॉट ओनली एन इमिटेशन, नाटक भी सिर्फ नकल नहीं है। अ ड्रामा लाइक ईडिपस रेक्स टीचेज अस नॉट टू बी प्राउड, ये ड्रामा क्या सिखाता है, घमंडी मत बनो। फेट इज मोर पावरफुल देन मैन, और क्या सिखाता है, भाग्य जो है ना वो मनुष्य से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ईडिपस का घमंड चूर चूर कर दिया, ये भाग्य, भाग में लिखा था उसको भोगना पड़ा। अब हमारे पेज फाइव पर, पेज फाइव आखिरी पेज है, पेज फाइव देखिए क्या है। प्लेटो थिंक्स दैट पोइट्री ड्रामा एंड पेंटिंग गिव अ फॉल्स पिक्चर ऑफ द रियल। फिर आप प्लेटो पर आ गया, कंक्लूजन देंगे इसीलिए। प्लेटो क्या सोचता है कि पोइट्री ड्रामा पेंटिंग क्या है, फॉल्स पिक्चर ऑफ द रियल, ये सब मतलब गलत रॉन्ग पिक्चर देता हूँ। कौन, पोइट्री ड्रामा और पेंटिंग जो है। एरिस्टॉटल थिंक्स दैट आर्ट इज अ, अब देखिए प्लेटो का ये एरिस्टॉटल का, दोनों का अलग विचार भिन्न है। एरिस्टॉटल थिंक्स दैट आर्ट इज द बेस्ट वे ऑफ शोइंग द रियल, और ये उल्टा सोचता है कि कला जो है वास्तविक दुनिया को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है। थ्रू आर्ट वी कैन क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड, और कला से हम लोग और सुंदर दुनिया बना सकते हैं। ठीक है, टू कंक्लूड, प्लेटो एंड एरिस्टॉटल होल्ड ऑपोजिट व्यूज, तो ये दोनों का विचार अलग अलग है, ऑपोजिट, बट बोथ द ग्रेट थिंकर वॉन्ट दैट आर्ट शुड बी यूज फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी एंड नेशन। लेकिन दोनों महान चिंतक क्या सोचते हैं कि कला का उपयोग होना चाहिए देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।